हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष गणित शिक्षण इकाई फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम इकाई फर्स्ट में पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। पाठ्यक्रम किसे कहते हैं और पाठ्यचर्या किसे कहा जाता है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में किस तरह का संबंध है और किस तरह का अंतर पाया जाता है। तो पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम किया जाता है कहते हैं और पाठ्यचर्या को सिलेबस कहा जाता है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करिकुलम, और पाठ्यचर्या को सिलेबस कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे शाम स्क्रीन पे दो अंतर बता रहा हूँ कि दोनों में अंतर क्या क्या है। पाठ्यचर्या में पहला बिंदु है कि पाठ्यचर्या में विद्यालय तथा विद्यालय के बाद दोनों वाली समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है। यानी पाठ्यचर्या में विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर उन सभी समस्त विषयों को या सभी समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है और पाठ्यक्रम में इसमें विशेष पाठ्य वस्तु को ही शामिल किया जाता है। भले इसमें जो विशेष पाठ्य वस्तु है उसी को ही शामिल किया जाता है पाठ्यक्रम में। फिर पाठ्यचर्या में दूसरा पॉइंट है कि पाठ्यचर्या बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के चहुंमुखी विकास से संबंधित है। पाठ्यचर्या बालक के संपूर्ण मतलब बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के चहुंमुखी विकास से संबंधित, यानी मतलब कि बालक का संपूर्ण विकास किस तरह से होना है या किस तरह से करना है उन सभी चीजों को सम्मिलित पाठ्यचर्या में किया जाता है। और पाठ्यक्रम बालक के विशेष संबंधित विकास पर ही बल देता है। यानी पाठ्यक्रम बालक के विषय से संबंधित विकास पर ही बल देता है। अब तीसरा बिंदु है कि यह पाठ्यचर्या यह चरित्र गुणों के विकास में सहायक है। यानी पाठ्यचर्या चरित्र के विकास में सहायक होता है और पाठ्यक्रम यह चरित्र के निर्माण में सहायक नहीं होता है। पाठ्यक्रम चरित्र के विकास में मतलब उसके निर्माण में सहायक नहीं होता है। चौथा पॉइंट है यह उद्देश्य पर आधारित होता है। पाठ्यचर्या उद्देश्य पर आधारित होता है जबकि पाठ्यक्रम यह पाठ्य वस्तु पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा कि यह राष्ट्रीय व सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करता है। पाठ्यचर्या होता है जो राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विकास का विकास करता है और जबकि पाठ्यक्रम ये इसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों का विकास नहीं होता है। मतलब पाठ्यक्रम के द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों का विकास नहीं होता है। इसी तरह से छठा पॉइंट है कि पाठ्यचर्या संपूर्ण क्रियाकलाप है। यानी पाठ्यक्रम में उन सभी चीजों को सम्मिलित किया जाता है यानी विस्तृत रूप है और पाठ्यचर्या यह पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रमश का एक पाठ्यचर्या का एक भाग है। यानी अगर हम ये कहें कि पाठ्यक्रम एक किताब है तो पाठ्यचर्या क्या है? उसका एक पाठ है, एक अध्याय है, यानी छोटा रूप है और पाठ्यक्रम बड़ा रूप है। ठीक है, इसी तरह से पाठ्यचर्या में बालक का सामाजिकरण संभव होता है जबकि पाठ्यक्रम में व्यावहारिकता का अभाव रहता है। नेक्स्ट है आठवां कि पाठ्यचर्या मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। पाठ्यचर्या मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिक है। नवा है कि यह बालक के दृष्टिकोण से निर्मित है। यानी पाठ्यचर्या बालक के दृष्टिकोण से निर्मित है और पाठ्यक्रम यह शिक्षण के उपयोग पे बनाया जाता है। और इसके बाद में दसवां पॉइंट है ये अधिगम अनुभव पर आधारित है। पाठ्यचर्या अधिगम अनुभव पर आधारित है और पाठ्यक्रम केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है। और ग्यारहवां जो पॉइंट है जो पाठ्यचर्या का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है। जबकि पाठ्यक्रम का क्षेत्र एक विशेष तक ही सीमित रहता है, विषय तक
तक ही सीमित रहता है। इसके साथ साथ 12वां पॉइंट है कि पाठ्यचर्या को क्रिया एवं अनुभव के रूप में समझता है। पाठ्यचर्या क्रिया एवं अनुभव के रूप में समझता है, जबकि पाठ्यक्रम अर्जित ज्ञान व संग्रहित तथ्य पर आधारित है। पाठ्यक्रम अर्जित ज्ञान एवं संग्रहित तथ्य पर आधारित है। और 13वां लास्ट पॉइंट है कि पाठ्यचर्या में विषय वस्तु, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, नवीन तकनीकी आदि का निर्धारण किया जाता है, जबकि पाठ्यक्रम में केवल शिक्षा की विषय वस्तु को ही सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक ही पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में आपको ये अंतर ध्यान रहा होगा कि पहला मैंने बिंदु बताया था कि पाठ्यचर्या में विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर सभी क्रियाकलापों और क्रियाओं को समाविष्ट किया जाता है, जबकि पाठ्यक्रम में विशेष पाठ्य वस्तु को ही शामिल किया जाता है। और दूसरा जो पॉइंट बताया था मैंने कि पाठ्यचर्या बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के चौमुखी के विकास से संबंधित है और पाठ्यक्रम बालक के विषय से संबंधित विकास पर ही बल देता है। तीसरा मैंने एक बार वापस रिवीजन बता रहा हूँ कि तीसरा जो पॉइंट है कि पाठ्यचर्या बालक के चरित्र के विकास में सहयोग देता है, जबकि पाठ्यक्रम चरित्र के निर्माण में सहायक नहीं है। इसी तरह से ये पाठ्यचर्या उद्देश्य पर आधारित है और पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय व सांस्कृतिक विकास में सहायक देता है पाठ्यचर्या, और पाठ्यक्रम राष्ट्रीय मूल्यों का विकास नहीं करता। इसी तरह पाठ्यचर्या संपूर्ण क्रियाकलाप है, यानी पूरा क्रियाकलाप का मतलब सभी विषय वस्तु शामिल हो जाती है, जबकि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक अंश है, एक भाग है। नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या बालक का सामाजिकरण का निर्माण करती है, जबकि पाठ्यक्रम सामाजिकरण का निर्माण नहीं करती। 8वां पॉइंट है वापस कि पाठ्यचर्या मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है और पाठ्यक्रम अब मनोवैज्ञानिक है। फिर इसके बाद में यह बालक के दृष्टिकोण से निर्मित है पाठ्यचर्या, और यह शिक्षण के उपयोग पर आधारित है पाठ्यक्रम। इसके बाद में यह नेक्स्ट 10वां पॉइंट है कि यह अधिगम अनुभव पर आधारित है पाठ्यचर्या, और पाठ्यक्रम पुस्तक के ज्ञान पर आधारित है। पाठ्यचर्या का जो क्षेत्र है वो व्यापक है और पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र है वो सीमित है। 12वां पॉइंट है कि पाठ्यक्रम को किसी क्रिया अनुभव के रूप में समझता है और पाठ्यक्रम अर्जित व ज्ञान व संग्रहित तथ्य पर आधारित है। इसी तरह से पाठ्य वस्तुओं में विषय वस्तु, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, तकनीकी विधि और भी सभी चीजों को शामिल किया जाता है, लेकिन पाठ्यक्रम में केवल शिक्षा की विषय वस्तु को ही सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर पाया जाता है। पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में सिलेबस कहा जाता है और पाठ्यक्रम को करिकुलम कहा जाता है। करिकुलम मैंने पहले भी बताया था कि लैटिन भाषा के कुरियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यानी बालक उस पाठ्यक्रम के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति करता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। यानी आपने शिक्षण प्रक्रिया देखी होगी, शिक्षण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षण प्रक्रिया तीन आदर्श शिलाओं पर चलती है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षार्थी पाठ्यक्रम के बिना अध्ययन नहीं कर सकता, और शिक्षक पाठ्यक्रम के बिना शिक्षार्थी को अध्ययन नहीं करवा सकता। यानी पाठ्यक्रम शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थी भी पाठ्यक्रम से ज्ञान प्राप्त करता है, और शिक्षक पाठ्यक्रम के माध्यम से कार्य योजना, दैनिक पाठ योजना और वार्षिक पाठ योजना, इकाई पाठ योजना का निर्माण करता है, और उसी के आधार पर ही सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, उदाहरण, कहानी, इन सभी चीजों को सम्मिलित करता है। तभी वो एक दैनिक पाठ योजना और अपने शिक्षण को सुचारू और स्थायी और रुचिकर, आनंददायक बनाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आपको एक पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बारे में अवगत होगा। और एक आपको एक रिक्वेस्ट और है कि अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना नाम, अपने पिता का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं, अन्यथा आपकी एब्सेंट हो जाएगी और अटेंडेंस कम दिखेगी।
इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना नाम, अपने पिता का नाम अवश्य लिखें और उपस्थिति दर्ज करें। धन्यवाद।